हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः भगवान अभी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंत मनश्चक्री योग मायांगमुपाश्रिता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभात उठाकर बोले पीछे जो लोग ना सब बैठ जाओ सबके सब पीछे पीछे भी सब लोग देख सकते हैं बैठ जाओ सब सब बस जाओ सुखानी सब बस जाओ लोगानी सब बस जाओ पीछे जरा आज देख सभी बैठ जाओ जो पीछे लोग वो भी देख सकते हैं बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे पीछे क्यों खड़े हो हरे राम 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 बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में त्रिधाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते अभी हम जहाँ पर आए हैं ये स्थान का नाम है कोल द्वीप कोल का मतलब होता है श्री वराह देव कहते सत्ययुग में एक ब्राह्मण जिनका नाम था श्री वासुदेव विप्र कहते वे आराधना करते थे श्री वराह देव को आराधना करते थे कहते उसी समय में ही उनको साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ है और उनको उसी समय सत्ययुग में ही उनको बताए थे मैं कलियुग में श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आऊंगा और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में विश्व ब्रह्मांड को मैंने बहा दूंगा इसलिए ये सत्य युग में ही श्री वराहदेव वासुदेव विप्र को ये बात बताए थे यहीं पर ही भगवान श्री हिरण्याक्ष को यहीं पर भगवान वराह अवतार में यहीं पर उनको वध किया है इसलिए ये स्थान का नाम है कोल द्वीप है कहते ये अभिरना ब्रजमंडल है कहते ब्रजमंडल का ये कौन सा स्थान है कहते यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन है इसलिए हमारी मंदिर जहाँ पर है वो कहाँ पर हमारा मंदिर है कहते श्री गिरिराज गोवर्धन के ऊपर में ही हम मंदिर है इसलिए महाराज लोग कहते हैं ना कहते श्री नवद्वीप धाम को श्री गुप्त वृंदावन मानी गई अगर कोई वृंदावन धाम को परिक्रमा करे केवल उनको वृंदावन धाम का ही परिक्रमा का फल प्राप्त होगा लेकिन अगर कोई श्री नवद्वीप धाम का परिक्रमा करे उनको तो वृंदावन धाम परिक्रमा अपने आप हो ही जाएगी और उसको साथ साथ में उनको श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा का भी फल उसको प्राप्त होगी इसलिए उस तरफ में कहते राधा कुंड श्याम कुंड भी यहीं पर है इसलिए यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर आने पर सबके सब दर्शन हमारी वहीं पर हो जाती है यहीं पर ही गुरुदेव कहते थे सप्त समुद्र है सात जो समुद्र हम सुनते हैं इखु समुद्र लवण समुद्र और भित्त समुद्र और सहेत समुद्र कभी यहीं पर सप्त समुद्र है और यहाँ पर आने पर कभी यहाँ पर पंचवेणी क्या है कहते श्री गंगा यमुना सरस्वती अलकानंदा और क्या मंदाकिनी कहते भोगवती कहते यहाँ पर आने पर पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जैसे ये पूर्ण अवतार है चैतन्य महाप्रभु इनकी उपासना करने पर जैसे सभी अवतारों की उपासना अपनी आप हो जाती है कहते ठीक उसी तरह अगर कोई नवद्वीप धाम परिक्रमा करे तो फिर तो और उसको कहीं भी जाने का कोई जरूरत नहीं यहाँ आ गई मतलब सारे तीर्थ में यहीं पर बैठे बैठे करके तुम्हारी स्नान हो गई है फिर विशेष करके जब
वैष्णव की अनुगत्य में हम लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं, इसका तो कहना क्या है। धाम में जा अगर तीर्थ में अगर हम जाएंगे थोड़ी समय केवल पाप ही दूर होता है, लेकिन घर में आकर फिर वही पाप करना शुरू कर दो हैं, इसलिए फिर पाप। लेकिन अगर गुरु वैष्णव की अनुगत्य में श्री धाम परिक्रमा अगर कोई करता है, एक में तो सारे तीर्थ में नहाना हो ही जाएगा। कितना दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुरु, बोले गंगा र पर सहले पश्चाते पवन दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुरु। इसलिए वैष्णव का दर्शन करते ही अपने आप सारे तीर्थ में नहाना हो जाता है। इसलिए ये स्थान सर्व दृष्टिकोण से परिपूर्ण स्थान है। कहते आप लोग श्री माधव महाराज तीर्थ महाराज से श्रवण किया, आते समय हम लोग ने श्री प्रौढ़ माया जोग माया वृद्ध शिव का दर्शन करते हुए आए हैं। इसलिए महाराज लोग बड़ी अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। कहते ये जो जोग माया है ये और कोई नहीं, भागवत का जो पहला श्लोक में बताए भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंत मनश्चक्रे योग मायांग मुपाश्रिता। भगवान जब दिव्य रास लीला की, कहते किसको आश्रय करके उन्होंने रास लीला की, बोले योग मायांग मुपाश्रिता। क्योंकि माया दो है, एक है योग माया और एक है महामाया। कहते एक ही माया की ये दो वृत्ति है। कहते जीव को भगवान क्या करते हैं, जब भगवान से विमुख होता है उसी समय ये महामाया उसको विकृत आत्मी और आवरण आत्मी, लिंग शरीर और ये स्थूल शरीर, ये दो शरीर उसको प्रदान करती हैं, करते हुए भगवान से उसको जोर से उसको फेंकती है। इसलिए मथुरा में हमारे गुरुदेव ने बहुत ज्यादा सुंदर बढ़िया छवि बिठाया। जो लोग मथुरा मठ में गए अब देखे होंगे, जब दोताला में गुरु जी के मंदिर में जाते देखना, वहां पर दिखाया एक तरफ में माया की जगत है और एक तरफ में भगवत जगत है, और जिस तरफ में माया की जगत उधर दिखाया तो अंधकार अंधकार भूत पिशाच डाकिन साकिन हिंस्र जंतु है, और दूसरे तरफ में दिखाया जिधर भगवान की जगत का तो प्रकाश प्रकाश है, और उस तरफ में एक साधु खड़ा हुआ, और जिधर माया की जगत उधर दिखाया कि माया खड़ी हुई, और इधर जीव बीच में खड़ा हुआ। कभी वो माया के तू इधर आ, देख रहे हो मैं कितने सुंदरी, इसलिए इधर आ जा, और उधर एक साधु बुलाते बोले खबरदार उधर मत जा, तू दिख रहे ना कैसे अंधकार बाघ भालू कैसे भूत पिशाच है, अरे इधर दिखा रहे सीधा गोलोक वृंदावन जाओगे। वो कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, लेकिन हमारा जैसे दुर्भाग्य जीव है ना, वो जान बुझ करके भी हमने माया में हमने छलांग लगाई, माया में देख सुनकर भी हमने माया को छलांग लगाई। इसलिए जीव जब वो माया को प्रति छलांग लगाती है, फिर जीव को ये दो शरीर देख करके उसको भगवान से बड़े दूर तक फेंक देती है, फेंक करके संसार में आकर के जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले गर्भ बेरा माता कारी परिश्रमा कार लागे ए तो करी ना घुचे लभ्रमा किसेरा संसार छाया बाजी प्राय इहाते ममता करी प्रीथा दीन जाया ए देहा पता न होले किरा बे अमार केह सुख नाही दीवे पुत्र परिवार। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हम गद्य जैसे सीत आतप पात बरिसना ए दिन जामिनी जागिरे बिफल से बिनो कृपण दुरजना चपल सुख लग लागिरे। झूठे सुख के लिए संसार में हम दिन रात गर्मी ठंडा को सहन करते हुए गद्दे जैसे परिश्रम करते हैं, बल शरीर जब छूटेगा कौन किसको सुख देगा, ये संसार कौन किसका संसार है, इसलिए शरीर किस चीज में बनी हुई, ताटी पेशाब खून पी और कुछ है ही नहीं शरीर में, और कुछ केवल एक चमड़ा ढकी हुई ना, इसलिए बड़ी सुंदर लगती है, पेट को फाड़ कर रख दो सब भाग जाएंगे यहाँ से, और कुछ नहीं है शरीर में। लेकिन ये जो भगवान की जो बहिरंगा जो माया है ना, ये टाटी पेशाब खून पीक शरीर में एकदम उसमें गदबास, ये मेरी बीबी ये मेरे पति ये मेरे बेटा बेटी
पूरा पागल हमें बना करके संसार में हमें ये 84 लाख जन्म में हमें जीव भटका रहे, केवल ये टाटी पेशाब शरीर में और कुछ है ही नहीं। स्वामी महाराज की सुंदर कथा कहते थे, कोई एक लड़की राजकुमारी भजन करने के लिए आई वृंदावन में। अभी एक राजकुमार उसके प्रति आसक्त हो गया, लेकिन वो भजन करने के लिए आए। अभी वो कह रहा है तुम मेरे से शादी करो, लेकिन वो तो संसार से नफरत होकर के आई। उसने अपना गुरुजी को पास में गया, बोले गुरुजी ये अवस्था, बोले उसको बोलना 3 दिन बाद में आना, फिर मैं तुमको स्वीकार करेंगे। बोले ऐसे की गोली खाओ के बोले जिसमें पैखाना पैखाना हो, और वो पायखाना को एक टॉप को अंदर में भर देना और टाटी पैसे में, और उसको ढक कर रखना। अभी जब वो आएगा, जब बोलेगा वो कहाँ है, फिर 3 दिन बाद में आएगा, लेकिन 3 दिन में जिसने उसको टाटी पायखाना करके पूरा भर कर रख दिए उसमें, जब वो आया वही लड़की, लेकिन पहचान नहीं पा रहा। बोले वो राजकुमारी कहाँ है, बोले राजकुमारी, बोले आओ तुमको दिखाता है राजकुमारी कहाँ पर। वो पहचान नहीं पा रहा है, क्यों? इसलिए मुंह इतना सुंदर लग रही थी क्योंकि इसमें ये टाटी पेशाब खून पी भरा हुआ था, इसलिए इतना सुंदर। अभी वो निकल गया ना, वो पहचान नहीं पा रहा, तेरे को दिखाएंगे। वो जब टब को ऊपर में कपड़ा ढककर रखा ना, इतने मैंने खोल दिया, देखा तो बदबू आ रहा था, उसमें अगर बदबू आ रही थी, हाँ गंदी खड़ी भी नहीं हुआ था। बोले राजकुमारी, बोले यही है ना, बोले यही है ना, बोले मतलब क्या, बोले पहले जो इतना सूरत दिख रही थी ना, चंद्रमुखी देख रही थी, वो चंद्रमुखी अभी ये टाटी पेशाब खून था, इसलिए मैं चंद्रमुखी देख रही थी, देखो यही है। उसको भी संसार से नफरत हो गई। इसलिए यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये टाटी पेशाब खून और पीक में ये जो बहिरंगा शक्ति जो भगवान से विमुख होती है, ये संसार रूपी जेल बना करके जीव को इसमें 84 लक्ष और 14 ब्रह्मांड और जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भूति ये तरह तरह का दुख कष्ट देती है। बोले क्यों? बोले संसार करना चाह रहे, देख लो संसार किया, लेकिन ये भी जीव के लिए कल्याण। क्यों? जब उसको पता चलेगा भैया संसार में कोई सुख नहीं, फिर भगवान की भक्ति की तरफ में आएगा। है इसलिए कहते वही माया ही जोग माया रूप में क्या करती है। इसलिए गुरुदेव कहते थे जोग माया, कहते एक तो सारे लीला को जो पुष्टि करती है जोग माया, दूसरी है कृष्ण की जो मधुर लीला को जो पुष्टि करती कौन है, इसे वृंदा देवी है। इसलिए ये जोग माया के बगैर भगवान की कोई भी लीला नहीं हो सकती। यदि माधव महाराज बहुत अच्छी अच्छी उदाहरण देकर समझा रहे थे, मैं भी एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि जोग माया इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, लीला वैसे प्रभुर नाही देहानुसंधान, इच्छा जानी जोग माया कर समाधान। कहते भगवान तो अपना लीला रस में डूबे हुए हैं, लेकिन इनकी इच्छा को जान करके ये जोग माया सारे लीला को समाधान करती है। कहते कैसे? बोले कृष्ण जिस समय मिट्टी खाए, इतने में सखाओं ने चुगली कर दी, मैया आकर के सीधा कान को पकड़े, बोले अपवित्र झूठे, तुमने आज मिट्टी खाई। कृष्ण तो सीधा सफेद झूठ बोल दिए, ना अहम भक्षितवान अव सर्पे मिथ्या भी संचिनम। बोले मैया सब के सब झूठ कह रहे हैं, बोले तू एक सत्यवादी हरिश्चंद्र सब झूठे हैं। बोले हाँ ये सब के सब झूठे हैं। बोले दाऊ इसने मिट्टी खाई, दाऊ भी गवाह दे दिए, बोले हाँ मैंने देखा। बोले मैया ये दाऊ देखने में ऊपर तो गोरे लगते हैं, लेकिन ये बड़े अंदर में काले हैं, लेकिन ऊपर में तुम्हें कारो हूँ, लेकिन अंदर में मैं गोरो हूँ अंदर में। इतने में मैया कृष्ण सोच रहे थे, अगर मैया को ये बोले अगर मिट्टी खाए तो मुंह से तो खाया देख ले, कृष्ण सोच रहे थे शायद मैया मान जाएगी, लेकिन हर माताओं को अपना बच्चे का कर्तव्य पता रहता है। इतने में मैया तो धमकी लगाई, मुंह खोल में देखना चाहता हूँ। बांगाली मायरा बुझते पड़ते हमें तो बांगला ही बोलती थी। कृष्ण जो मिट्टी किए थे, एखन माँ जसोदा तक बोल तू माटी मिट्टी कने किए चीज, बोले माँ हमें माटी खाएनी, सखारा सब हमारे नाम मिथ्या कथा बोलते। बोले तू एक बात सत्यवादी हरिश्चंद्र, बोले हाँ माँ। इतनी मत कृष्ण बोल ले जे हमें जी माटी किए ताकि मुखे तो किए ची, बोले हाँ। बोले हमारे मुख खोले देखे ना, कृष्ण मन कर चलो जी माँ की कथा बोली ना, माँ बोध है मैंने जावे कि तो माँ तो जाने सब मायरा जाने छलेरा के कम है। एक माँ तक धमकी दिए थे मुंह खोल हम देखते चाहिए, एक मार धमकी किए ना संगे संगे कृष्ण भय से मुंह खुले गए थे। देखो ये जोग माया की रकम काज, जब मुंह खुले गए थे समस्त कृष्ण लीला के समाधान के करे जोग माया। एक जोग माया तीन चिंता कर छे कृष्ण मुखे तक माटी आ छे, और जी माँ देखे ना एक हाथ लाठी एक हाथ कान धरिया छे, एखन जोग माया देखते जदि आमी समस्त प्रभुर लीला के समाधान करी कृष्ण मुखे माटी आछे, जदि माँ देखे ना लाठी एकटा नीचे ने सब पीठ पर पड़ी हुई। एखन जोग माया संगे संगे तिनी की करछेन, सेई छोटो मुखेर मते तिनी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के तिनी देखे दिए छेन।
কত নদী কত নালা কত নক্ষত্র আদি। এখানে মা যশোদা কি হয়েছে ভয় পেয়ে গেছে, আরে আমি কি দেখছি আমার গোপাল ভগবান তো নয়, আমার গোপাল ভগবান তো নয়। এখানে যোগমায়া চিন্তা করছে এটা উল্টো কাজ হয়ে গেল। বলে কি কৃষ্ণ চিন্তা করছেন, যদি মা বুঝতে পারে আমি ভগবান তখন কি করবে, ওই যে ঘরে শালগ্রাম আছে ওর জন্য একটা ছোট মন্দির বানিয়ে রেখেছে, একটু বাতাস একটু ভোগ লাগিয়ে দিয়ে তো মিষ্টি ভোগ লাগিয়ে আর ঘন্টা হিড়িয়ে তোমেব মাতা চ পিতা তোমেব তোমেব বন্ধু সখা তোমেব বলে কি করে ওই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে। এখানে মা ও আমার জন্য কি করবে একটা, হ্যাঁ এই জন্য মা এখানে কৃষ্ণ চিন্তা করছেন আমাকে মন্দির মধ্যে রেখে দিবে, এখন আমি যে সখাদের সঙ্গে তো লীলা খেলা করে সব বন্ধ হয়ে যাবে। এখন যোগ মায়া দেখলো আবার উল্টো হয়ে গেছে, কেননা কৃষ্ণ চিন্তা করছেন আমাকে মন্দির মধ্যে বন্ধ না করে দিন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগ মায়া কৃষ্ণের ইচ্ছা জেনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লীলাকে তিনি অন্তর ধ্যান তিনি করে দিয়েছেন। যখন অন্তর ধ্যান করে দিয়েছেন দেখছেন ওই ছোট্ট মুখ, দেখুন এই যোগ মায়া ই কৃষ্ণের ভগবতাকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়ে দিয়ে ভগবতাকে যত কৃষ্ণের মাধুর্য লীলা হচ্ছে কেবল এই যোগ মায়া দ্বারা কৃষ্ণ ভগবান তিনি ভয়ে তিনি মিথ্যা কথা বলতেছেন। বলে কেন মায়ের ডরে তাকে বাৎসল রস প্রদান করার জন্য কৃষ্ণ ভগবান ভয় তিনি সখাদের তিনি এঁঠো খাচ্ছেন। বলে কেন তাদেরকে সখ্য রস প্রদান করার জন্য ভগবান ভয় তিনি গোপীদের চরণে তিনি প্রেমের ভিক্ষা চাইছেন। ভগবান ভয় তিনি স্মর গরল খণ্ডনম মম শিরসি মন্ডনম দেহি পদ পল্লব উদারম। যোগ মায়া তার ভগবতকে ভুলিয়ে তিনি সেই রাধারানীর চরণে তিনি বন্সিকে রেখে দিচ্ছেন, তার চরণে ময়ূর পাখা নিজের মাথাকে সেখানে রেখে দিয়েছে। বলে কেন, বলে তার সেই মাধুর্য লীলাকে আস্বাদন করাবার জন্য। এই জন্য ইনি যদি না হন না তাহলে জীব যখন ভগবান গিয়ে লীলা রহস্য আস্বাদন করতে পারবে না। আর এই জীব যখন ভগবত বিমুখ থেকে উন্মুখ হয় ভগবত ভজন দিকে আসে তখন এই যোগ মায়া তখন কি করে জীবকে সেই ভগবানের দিকে চালিয়ে দিয়ে ভগবানের সঙ্গে যোগ যুক্ত করে দিয়ে। যেন ইনি হলেন যোগ মায়া। আপনারা শ্রবণ করলেন এখানে শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের, এখানে ইহা পর শ্রী জগন্নাথ বাবাজী মহারাজ কা ভজন কুটির হে। মহারাজ লোক অচ্ছি অচ্ছি কথা শুনা রহে থে, ইনকি এক কথা শুনা দেতা হুঁ। কেতে শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কেতে সার্বভৌম ইনকা নাম হে, কেতে গৌর আবির্ভাব মিস্তম। গত কালে হাম লোক শ্রী নবদ্বীপ ওহা পর গয়ে থে, জব শ্রী ভক্তি বিনোদ ঠাকুর উনহনে স্বানদ সুখদ কুঞ্জ মে বৈঠি করকে উনহনে এক দিব্য আলোক কো উনহনে দর্শন কি, তব শ্রী ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ওহা পর গয়ে, দেখা কুছ হেই নেই। দুসরে দিন ভি ভজন করতে করতে ফের দেখা লাইট কো, উনহনে দেখা হে কি ওহা পর এক তাল বৃক্ষ হে, ওহা পর যা করকে দেখা ওহা পর তুলসী তুলসী বগিচা। বলে মুসলমান কো পুছা তুম লোগ ইহা পর কোই পেড় পৌধা কিউ নেই লাগাতে হো, বলে হাম কিসি ভি কোই পেড় পৌধা কো লাগায় তো বীজ বপন করে ও সবকে সব আপনি আপ তুলসী বৃক্ষ আ জাতা হে। ও সমঝ গয়ে কিউ ইয়ে নিত্য বৃন্দাবন হে গুপ্ত বৃন্দাবন বৃন্দা বহন যাহা পর তুলসী কা বহন। সব মুসলমান লোকনে কাহা দেখো ইহা পর রাত বহনা কুছ ভূত লোক আ করকে হাই 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 করতে। ফের ভক্তি বিনোদ ঠাকুর সমঝ গয়ে অত্যাপি ও সেই লীলা করে কৌর রায়ে কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবার পায়ে। অভি ভি শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভু আপনা পরিকরম কো সাথ মে ইহা পর আ করকে অভি ভি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে অভি ভি মহাপ্রভু করতে হে। জব শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কো জব শ্রী জগন্নাথ বাবাজী মহারাজ কো ওহা পর লে করকে গয়ে। শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ যো উনকা যো সেবক থা বিহারি উনকো আপনাকে টোকরি মে লে যায় করতে থে, লেকিন ওহা পর ছলাঙ্গ লগা লগা করকে চার পাঁচ হাত ছলাঙ্গ লগা লগা করকে বলে ইহি মেরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কা ইহি জন্মস্থান হে, ইহি স্থান শ্রী গৌর হরি কা ইহি জন্মস্থান হে। হাত উঠা উঠা করকে বড়ি জোর জোর সে নৃত্য কীর্তন করতে থে। ইসলিয়ে ইহি জো মহাপুরুষ যে পহলে সূর্য কুণ্ড মে রহতে থে, সূর্য কুণ্ড সে ফের উনহনে শ্রী নবদ্বীপ ধাম মে আয়ে, আর নবদ্বীপ ধাম মে আ করকে কিউ ই জো নবদ্বীপ ধাম ই অপরাধ ভঞ্জন পাঠ হে, ইহা পর সারে অপরাধ দূর হো জাতা হে। ইসলিয়ে আপনা সর কে উপর মে ইয়ে ব্রজ রজ কো লেকর কে নবদ্বীপ ধাম কো রজ কো লেকর চলতে থে, কহিং ভি অগর শরীর ছুটেগা কম সে কম ইয়ে রজ কো দ্বারা হামারি শরীর অভিষিক্ত হো জায়েগা। কুছ লোক উনকো জব রহতে থে কাহাঁ পর
नवद्वीप धाम में रहते थे, उनको बड़े सिद्ध बाबा कहा जाता था, इसलिए कुछ लोग उनकी सिद्धाई देखने के लिए आए, कुछ ऊंचे ऊंचे उच्च सिद्ध लोग। बोले तुम लोग क्यों आए हो? बोले आप सिद्ध महात्मा है ना, हमने कुछ सिद्धाई देखने के लिए आए। उन्होंने एक डंडा लेकर के मिट्टी के ऊपर जोर जोर से मारने लग गए। जब मारने लग गए इतने में बोले भैया बाबा जी महाराज तो बड़े क्रोधित हो गए, भागो यहाँ से भागो। बोले तुम लोग को सिद्धाई देखने के लिए आए ना, सिद्धाई दिखा दिया। बोले क्या है? बोले वृंदावन में श्री लोकनाथ दास बाबा जी महाराज की तुलसी बगीचा में कुछ बकरी तुलसी खा रहे थे, इसलिए मैंने डंडा मार कर वहां से भगा दिया। देखो ये कहां वृंदावन में, कहां तुलसी बगीचा, और यहां पर डंडे मार कर भगा रहे हैं। तब उन्होंने जब ये बात को बताया, उन्होंने टेलीग्राफ किया वहां के लोगों को, देखो तो वहां पर तुलसी बगीचा में कुछ चिन्ह है। बोले हाँ यहाँ पर कुछ बकरियों का प्यार का चिन्ह है, और उनको किसी ने जोर जोर से मारे तो इनका शरीर का जो लोम है यहाँ पर गिरा हुआ है। इसलिए ये जो महापुरुष का जो भजन है वो अपराकृत दिव्य इनके भजन है, इनके बहुत सारे शिक्षाएं इनकी। इसलिए अभी हमारे श्री महाराज लोग यहाँ के उनकी शिक्षा, यहाँ के स्थान की महिमा आप लोगों को सब वर्णना करेंगे। हम यही बोल करके यहीं पर कथा को हम विश्राम करते हैं। वंचा गलभुतरुभ्य कृपा सिंधु पतितानंग पावने भो वैष्णवे बन। हाँ देखो बांगाली मायरा आज कहो एकादशी, बुधवार दिन आज कहो एकादशी, अपना जी कभी पांता भात रेखे थके ना पहले पांता भात के खावे ना आज के। हाँ रोटी जदि लुकी रख थके, रोटी फूटी मुड़ी थोड़ी आज के खावे ना। और वैष्णव तेरे अनुगत यदि एक बार नवदिव्य धाम से एक बार यदि एक एकादशी की पालन करें, अपनारा कल्पना करते कत महिमा जने अपना क्यों आज के मठे दू दी बार अपना खावा दे दुपुर देखाल वैष्णवरा जेटा दीबे मठे जेटा रान्ना हबे ओटा खावे, बुझते पारछेन तो? एई जने केउ उल्टा पुल्टा चीज केउ खावे ना। हाँ के पांता महाराज बोले के पांता लुकी रखेछेन, पांता पांता माता लुकी रखबे ना। हाँ हरे कृष्णा। देखो एक अनाउंसमेंट है, हम लोग मार्च 3 तारीख को जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, मार्च 3 को जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। अगर जिसकी इच्छा हो कि हम जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं तो लोग हमारे साथ में बात कर सकते हो। थर्ड मार्च आई विल गो टू जगन्नाथपुरी बाई बसेज बिटवीन कंटेक दर्शन ऑफ किरकिरा गोपीनाथ एंड साकी गोपाल, इफ समबडी वांट गो दे कैन कंटेक्ट विथ मी। हरे कृष्णा।